हेलो वेलकम बैक डियर फल्कार्स इन टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एलका नर्सिंग क्लासेस आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द लाइम डिजीज़ लाइम डिजीज़ ही क्यों क्योंकि ये जो डिजीज़ है इसके रिलेटेड मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एंड सेकेंड थिंगज़ कि जब इस डिजीज़ की बात करते हैं तो जो भी हम कंपिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं उनमें जो है थोड़ा सा कम डेटा होता है रिगार्डिंग दिस डिजीज सो दैट इज द रीजन के हम यहाँ पे जो है लाइम डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये जो लाइम डिजीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज लाइम बोरिलियोसिस नाउ लाइम बोरिलियोसिस क्यों बोलते हैं क्योंकि जो इसका कॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज बोरिलिया। बोरिलिया जो है दैट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस लाइम डिजीज देखिए बोरिलिया के डिफरेंट स्पीशीज होते हैं जो डिफरेंट रीजनज में जो है लाइम डिजीज डेवलप करते हैं और जो मोस्ट कामन थ्री स्पीशीज होते हैं वन इज कॉल्ड एज द बोरिलिया बर्गडोरफेरी सेकेंड इज द बोरिलिया गैरिनी एंड जो थर्ड वन है दैट इज कॉल्ड एज द अब्जेली अब मोस्टली जब अब बुक्स में देखते हैं तो वहां पे जो लिखा होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ द लाइम डिजीज दैट इज द बोरिलिया बर्गडॉर है अदरवाइज जो तीन ये स्पीशीज है ये क्रिएट करते हैं लाइम डिजीज को नाउ जो लाइम डिजीज होती है अगर हम बात करेंगे रीजन की तो ये जो डिजीज होती है ये वाइड स्प्रेड है और वी कैन से दिस इज मोस्ट कॉमन इन यूएसए. यूएसए में जो है वहाँ पे ये ज्यादा कॉमन है और वहाँ पे जो सोल ऑर्गेनिज्म है रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज दिस इज बोरिलिया फेरी और जो अदर रीजनज है जैसे हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में जो है ये तीनों स्पीशीज हमें मिलती है या हम ऐशा की अगर बात करेंगे जो लास्ट के दो स्पीशीज है दैट इज द वहां पे जो है ये पॉजिटिव एजेंट बनते हैं ऑर्गेनिज्म बनते हैं इस डिजीज के अगर ट्रांसमिशन की बात करेंगे जो लाइम डिजीज होती है वो ट्रांसमिट किससे होती है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय दिस हार्ट टिक सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिस इज हार्ट टिक ठीक है आपने देखी होगी तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये जो ये वेक्टर होता है इस डिजीज का ठीक है दैट इज द हार्ट टिक सो अगर वेक्टर का पूछा जाएगा कि वेक्टर कौन सा होता है इन केस ऑफ द लाइम डिजीज लाइम बोरो तो वो हार्ट हार्डटेक होती है एंड जो रिजर्वायर होते हैं इस डिजीज के रिजर्वायर्स कौन से होते हैं देखिए रिजर्वायर्स एक तो कॉमनली होते हैं रोडेंट्स एंड सेकंड इज द डेयर डेयर और रोडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एज रिजर्वयर ऑफ दिस डिजीज और ससेप्टेबल इंडिविजुअल की बात अगर हम करेंगे तो ससेप्टेबल कौन होते हैं ज्यादा रिगार्डिंग दिस डिजीज वन इज द वेटररी पर्सनल एंड सेकेंड जो है दैट इज द फार्मर सो जो लाइम डिजीज है दैट इज कॉज बाई फेरी और जो रिजर्वायर है इसका दैट इज द रोडेंटस एंड द डियर और ससेप्टेबल होस्ट जो है दैट इज द वेटरनरी पर्सनल एंड फार्मर्स और ट्रांसमिट किससे होती है और वैग्ञान सी वैक्टर कौन सा होता है इसका तो दैट इज द हार्ड नाउ अब ये जो लाइम डिजीज होती है देखिए जब भी किसी इंडिविजुअल को लाइम डिजीज डेवलप हो जाती है तो इस डिजीज में चार स्टेजेस होते हैं नाउ वो चार स्टेजेस क्या होते हैं और कैसे डेवलप होते हैं और क्या क्या जो है साइन एंड सिम्टम्स उसमें डेवलप होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे सो क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है इस डिजीज की देखिए जो एंड सिम्टम्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये हार्टिक होती है ये अटैच रहनी चाहिए टू सिकिन फॉर 24 फोर टू फोर्टी एट अवर्स डेट मीन अगर किसी इंडिविजुअल के सिकिन से ये जो है हार्ट टिक अटैच हो गई और 24 टू 48 एट आवर्स से पहले ही डिटैच हो गई तो साइनज एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं साइनज एंड सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं अगर ये अटैचड रही फॉर 24 टू 48 एट आवर्स और ये जो सिम्टम्स है ये किन में डेवलप होते हैं स्टेज में ये डेवलप होते हैं कितने स्टेज होते हैं फोर स्टेज होते हैं ठीक है अब जो चौथा स्टेज है वो लेस कॉमन है दैट इज वाई जब हम बुक्स में देखते हैं तो वहां पे तीन ही स्टेजेस मेंशन होते हैं इज देअर आर द फोर स्टेजेस ऑफ द डिजीज नाउ पहला स्टेज क्या है फर्स्ट स्टेज इज इन्फेक्शन देखिए अर्ली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन नाम से ही पता चलता है कि क्या होता है एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है किस फेज में अर्ली फेज में कैसे होता है देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इस डिजीज का दैट इज थर्ट टू थर्टी टू डेज अब जब इनक्यूबेशन पीरियड में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो साइनस एंड सिम्टम्स यूजली डेवलप नहीं होते हैं वंस द इनक्यूबेशन पीरियड इज जो है वो डेवलप हो जाते हैं क्या साइन एंड सिम्टम होता है एक एन्युलर रैश डेवलप होता है ठीक है एक एनुलर रैश डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एरिथेमा माइग्रेनस इस एरिथेमा माइग्रेनस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज बुलस आई पैटर्न लीजन और रैश सो क्या होता है इसमें कि जब ये जो हार्टिक है जब ये अटैच हो जाती है 24 से 48 आवर्स तक रहती है उसके बाद क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड कितना है थ्री टू ट्वेंट थर्टी टू डेज उसको कंप्लीट करने के बाद एक स्किन में एक जो एन्युलर मैक्योपैकुलर रैश और वी कैन सी की लीजन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज द इिदीमा माइग्रन्स और बुल्स आई पैटोरन रैश सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इरिदिमा माइग्रन और बुल्स आई पैटोरन रैश किस डिजीज में प्रेजेंट होता है तो आंसर विल बी द लाइम डिजीज एज यू कैन सी हियर दिस इज द पैटर्न रेक्स और कॉमनली डेवलप होता है कॉमनली ये ट्रंक पे डेवलप होता है ट्रंक ग्रॉइन और एग्जला पे ठीक है तो जो डेवलपमेंट होती है वो मोस्ट कॉमनली पहले तो ट्रंक पे डेवलप होता है उसके बाद जो है ग्रोइन में डेवलप हो सकता है और एक्जला में डेवलप हो सकता है देखिए अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यूज़ुअली कब रैश डेवलप होता है तो ऑप्शन जाना चाहिए फोर वीक्स ठीक है और पीक टाइम क्या होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रैश दैट इज द सेवंथ डे यूज़ुअली जो ये रैश होता है ये सेवंथ डे पे अपियर होता है ठीक है पीक टाइम सेवंथ डे होता है इस रैश के डेवलप होने का नाउ ये तो हुआ पहला स्टेज जिसमें एक अर्ली लोकलाइज इंफेक्शन होता है और इसके अलावा क्या हो सकता है कि पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टमस आ सकते हैं जैसे फीवर हो सकता है पेशेंट को चिल्ल मैलेस वगैरह वो डेवलप हो सकता है एक इंडिविजुअल को और ये जो पहला स्टेज है मोस्ट ऑफ द केसेज में पहला स्टेज प्रेजेंट होता है विकेन से एट्टी परसेंट केसेस जो है उनमें जो मैनिफेस्टेशन है फर्स्ट स्टेज के वो डेवलप हो जाते हैं और जो रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट है उन केसेस में ये जो सिम्टम्स है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं देन सेकंड स्टेज आता है इसका सेकंड स्टेज में क्या होता है अर्ली डिसिमिनेटेड इन्फेक्शन नाउ क्या होता है जो इन्फेक्शन होता है वो अर्ली स्टेज में डिसिमिनेट हो जाता है डिसिमिनेट होना मीनस वो फैल जाता है सो so, क्या होता है थ्रू द ब्लड दैट इज हिमैटोजीनसली हिमेटोजिनसली और वी कैन से थ्रू द ब्लड जो है ये डिफरेंट टिश्यूज में और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है और उससे क्या होता है जैसे इसी इंडिविजुअल में क्या होता है सेकेंडरी एन्युलर स्किन लीजन डेवलप होते हैं और मस्कुलो सिकार्टल पेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं दैट द देन हो सकता है एक इंडिविजुअल को प्लस फैटिंग प्लस और क्या होता है दो जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है बॉडी के वो इन्वॉल्व होते हैं वन इज द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है मैनजाइटिस होती है एनसेफालाइटिस होती है और किसी इंडिविजुअल को क्या हो सकता है लिंफोसाइटिक मैनजो रेडिक्यूलाइटिस डेवलप होती है और ये जो लिम्फोसाइटिक मेन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं so, जो बेनवर्थ सिंड्रोम है वो भी डेवलप होता है इन केस ऑफ द लाइम डिजीज एंड सेकेंड थिंग इज की अगर जो कार्डियक सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो गया और नर्वस सिस्टम में क्या होता है एक इंडिविजुअल को सी सेवन की पैरालिसिस भी हो सकती है दैट इज द फेशियल ठीक है तो प्लस जो कार्डिक सिस्टम है कार्डिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है लेस uh, केसेस में 8 में ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होता है और कार्डिक सिस्टम में क्या होता है इंडिविजुअल को जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में यूजुअली मायोकार्डाइटिस होती है और इन सीवियर केसेस क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है एक इंडिविजुअल में सो so, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म होता है वो थ्रू ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गेज और टिश्यूज में ट्रांसमिट होता है उससे जो है सेकेंडरी एनुलर सिकेंड रिजन डेवलप होते हैं आर्थ्रॉजिया होता है पेशेंट को मेलेस और फैटिक होता है प्लस जो बॉडी के सिस्टम है यूजली जो है नर्वस सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द बैनबॉर्थ सिंड्रोम डेवलप होता है और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में एवी ब्लॉक डेवलप हो जाता है उसके बाद जो है थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में क्या होता है थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं लेट परसिस्टेंट इन्फेक्शन देखिए अगर जो है इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में डिसमिनेट हुआ है आपने ट्रीट किया तो ठीक तो ये थर्ड स्टेज डेवलप नहीं होगा अगर नहीं ट्रीट किया है तो Late persistent infection develop हो जाएगा। That means कि later phases में होगा और वो, वो देखिए सिंपल है कि बिकॉज ऑफ द लाइम डिजीज क्या होता है आर्थरा डेवलप हो जाती है एक इंडिविजुअल में अगर कोई अनट्रीटेड केस है तो उसी केस में ये होता है यूजुअली जो है सिक्सटी परसेंट ऑफ अनट्रीटेड केसेस में ये लेट परसिस्टेंट इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और लाइम आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है और ये जो लाइम आर्थराइटिस है ये लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है और लार्ज जॉइंट्स जो है उनमें मोस्ट कॉमनली जो है नी जॉइंट नी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है सो इन केस ऑफ द लाइम डिजीज बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस जो है नी जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है प्लस इसके साथ-साथ क्या होता है सेकंड मैनिफेस्टेशंस डेवलप होते हैं एक तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है एक इंडिविजुअल को जो है ग्लोसाइपैथर्न रैश डेवलप होता है जिसको हम इरथीमा माइग्रेनस बोलते हैं लेकिन लेटर स्टेज में क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल को एक्रो डर्मेटाइटिस होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोडर्मेटाइटिस क्रोनिका एट्रोफिकस ठीक है इतना नाम याद नहीं रहेगा अगर इतना ही याद रखेंगे कि लेटर स्टेज में एक्रोडर्माटाइटिस होती है एक पेशेंट को केस ऑफ द लाइम डिजीज और ये जो है ये यूजुअली किन रीजन को इन्वॉल्व करती है हैंड एंड फीट जो है हैंड एंड फीट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सो इन केस ऑफ एक्डर्माटाइटिस हैंड एंड फीट आर कॉमनली इन्वॉल्व अब रहता है स्टेज फोर तो किसी केस में क्या होता है कि जब हम इस लाइम डिजीज को ट्रीट नहीं करते या ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है एक इंडिविजुअल को पोस्ट लाइम सिंड्रोम होता है ठीक है पोस्ट लाइम सिंड्रोम होता है किसी पेशेंट को तो ये जो पोस्ट लाइम सिंड्रोम है ये क्रॉनिकली जो है वो डेवलप होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक पेशेंट को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होता है ठीक है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम होता है एंड सम पेशेंट उसको क्या होता है न्यूरो कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन इज डेवलप होते हैं और वी कैन से कि ऐसे पेशेंट्स को द लेटर स्टेज क्या होता है फिर इन पेशेंट्स को मेमोरी लॉस हो सकती है सो so, ये तो ऐसे पेशेंट्स हुए जिनको हमने ट्रीट किया जिनको फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है लाइम डिजीज रही तो उसके बाद कुछ पेशेंट में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम रहता है ठीक है और न्यूरोगोनेटिव मैनिफेस्टेशन डेवलप होती है यूजुअली मेमोरी लॉस होता है ये हुए साइन एंड इंड सो यहाँ तक हमने देखा कि जो लाइम डिजीज है इसको हम बोरिलोसिस बोलते हैं ठीक है तो ये जो है बर्गडोर फेरी से होती है मोस्ट कॉमनली अदरवाइज जो टीन स्पीशीज है वो रेस्पॉन्बल है यूएसए में मोस्ट कॉमन है और जो कॉजिटिव एजेंट है इसका डेट इज द बर्गडोर फेरी और जो रोडेंट्स वगैरह है और डियर है ये एक्ट करता है एज रिजर्वास की वहां से जो ये डिजीज क्या होती है वहां से ट्रांसमिट हो जाती है और जो वेक्टर होता है जो ट्रांसमिट करता है उसको दैट इज द हार्ट टिक और जो साइन इन सिम्टम्स होते हैं वो चार स्टेजेस में डेवलप होते हैं स्टेज फर्स्ट में क्या याद रखना है कि जो लीजन डेवलप होता है स्किन पे दैट इज कॉल्ड एज द बुलाई पैटोन रैश और सेकंड स्टेज में इंपॉर्टेंट क्या है कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो वहां पे क्या एक इंडिविजुअल को सिंड्रोम डेवलप हो सकता है और लेट पर इन्फेक्शन रहा तो पेशेंट को आर्थराइटिस होती है यूजुअली जो है जॉइंट इन्वॉल्व होता है दैट इज द नी जॉइंट और कुछ केसेस में क्या होता है पोस्ट लाइम सिंड्रोम डेवलप होता है और जो जिसको हम किस आइडेंटिफाई करते हैं बाय क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एंड न्यूरो नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं लाइम डिजीज की देखिए डायग्नोसिस के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हम इसके लिए यूज करते हैं और जहर में हम क्या रखेंगे कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे आपको पूछा जा सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है इसका और वी कैन से कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है इसका तो वो हम लेटर ऑन जो है वो हम माइंड में रखेंगे तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं पहले जो है आइसोलेशन करते हैं ठीक है थीके? आइसोलेशन किसकी करते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द बोरेला बोरेला की आइसोलेशन करते हैं कहां कहां से आइसोलेशन करते हैं देखिए पहले तो हमने कहा कि ये सिकन मैनिफेस्टेशन डेवलप कर सकता है तो सिकन का जो है कोई पोर्शन लेंगे हम ठीक है बायोप्सी के थ्रू वो हम यूज कर सकते हैं एज ए स्पेसमैन और जो ब्लड है ठीक है तो हमने कहा कि सेकंड स्टेज में ये थ्रू ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में ट्रांसमिट होता है कैरी होता है तो ब्लड भी हम यूज कर सकते हैं और वी कैन मेक यूज ऑफ द सी एस एफ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज उनमें सी एस एफ जो है नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो यहाँ से जो है हम सुपैसमैन कलेक्ट करते हैं जब हम सुपैसमैन कलेक्ट करते हैं तो ये जो सुपेसमैन है इसको हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम में रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज द बी एस के मीडियम ठीक है नाम जो है वो थोड़ा उल्टा पुलटा है तो शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं बी एस के मीडियम नो व्हाट इज बी एस के मीडियम बी एस के इज बारीडियम बार्बर स्टोनर कैली मीडियम जो है वहां पे हम इस स्पैसमैन को जो है उसकी कल्चरिंग करते हैं। देन ये जो स्पैसमैन है इसको हम फिर क्या करते हैं थर्टी फोर डिग्री पे हम इसको इनक्यूबेट कर देते हैं और फॉर द टू मंथस हम इसको स्टडी करते हैं ठीक है वीकली वीकली बेसिस बेसिस पे पे फॉर द टू मंथ जो है हम इसको स्टडी करते हैं और एग्जामिन करते हैं अंडर द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ये तो हुआ पहला आइसोलेशन आइसोलेशन में याद क्या रखना है कि जो हम मीडियम इसके लिए यूज करते हैं दैट इज दी एस के मीडियम देन सेकेंड थिंग इज की पीसीआर देखिए पॉलीमेर चेयर रिएक्शन जो होती है इसे हम क्या देखते हैं इसका स्पेसिफिक डीएनए देखते हैं स्पेसिफिक डीएनए क्या है इसका जो तीन डिफरेंट स्पीशीज है शायद सी बात है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए होता है तो इससे जो है हम स्पीशीज का जो उसका जीनोम है उसका जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन सीरोलॉजिकल टेस्टस ठीक है और सीरोलॉजी देखिए सीरोलॉजी से हम क्या देखते हैं एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिंस जो है वो हम डिटेक्ट कर देते हैं तो ये जो सुरोलॉजी है ये मोस्ट कॉमन मेथड बनता है सो मोस्ट कॉमन मेथड जो है फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस लाइम डिजीज दैट इज द सुरोलॉजी ठीक तो सुरोलॉजी में हम क्या करते हैं जैसे परफॉर्म द एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लड और एलाइजा और वेस्टर्न ब्लड से हम क्या देखते हैं आईजीएम और आईजीजी देखते हैं ठीक है आईजीएम एंड आई जी जी एलाइजा से आई जी एम देखते हैं और वेस्टर्न ब्लॉड से जो है हम आई जी जी को डिटेक्ट करते हैं ठीक तो ये जो लाइम डिजीज है इसमें हम क्या यूज करते हैं वी मेक यूज ऑफ टू टेस्ट अप्रोच देखिए टू टेस्ट अप्रोच क्या होता है कि पहला जो है पेशेंट को हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं अगर एलाइजा पॉजिटिव है देन वी गो फॉर वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट दैट इज द टू टेस्ट अप्रोच ठीक अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर लाइम डिजीज स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका एलाइजा और जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज द वेस्टोरन ब्लॉट ठीक है मीडियम का जहन में रखना है और स्क्रीनिंग और कंफर्मेटरी टेस्ट का जहन में रखना है देन एक मॉडिफाइड और वी कैन से कि एक सेकंड जनरेशन एलाइजा भी अब प्रेजेंट टाइम में जो है परफॉर्म करते हैं सेकंड जनरेशन एलाइज़ा उसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड एलाइसा ठीक प्लस अगर हम ब्लड की बात करेंगे या किसी बॉडी फ्लूड की बात करेंगे जैसे ये ज्वाइंट वगैरह को इन्वॉल्व करता है और सी एस एफ को इन्वॉल्व करता है तो वहां पे क्या होता है जो डब्ल्यू बी सीज है डब्ल्यू बी सीज होते हैं डब्ल्यू बी सीज एलिवेटेड होते हैं मोर स्पेसिफाई करेंगे तो जो पॉलिमोरफोन्यूक्लियर मोरफो न्यूक्लियर हैं इन ज्वाइंट फ्लूडे कैंसिल कि साइनोवियल फ्लूड ठीक है और जो सी एस एफ होता है सीएसएफ में लिम्फोसाइटोसिस होती है दैट मीनस की लिम्फोसाइटिस एलिवेटेड होते हैं तो इन जनरल जो है डब्ल्यू बी सीज एलिवेट होते हैं इनके दिस जॉइंट कैविटी जॉइंट फ्लूड जो है उसमें वॉल्यूमॉरफो न्यूक्लियर सेलज एलिवेट होती है और सी एस एफ जो है उसमें लिम्फोसाइटस एलिवेट हो जाते हैं सो समराइज अगर करेंगे जो डायग्नोसिस है इसकी आइसोलेशन करते हैं हम ठीक है और आइसोलेशन के लिए हम एक स्पेशल मीडियम का यूज करते हैं दैट इज द बी एस के मीडियम उसको हम बार बार स्टोनर कैली मीडियम बोलते हैं तो उसके बाद जो है पीसीआर से डायग्नोज करते हैं इसका डीएनए वगैरह क्या है और, और सरोलॉजी टेस्ट जो है वो हम मोस्टली इसमें परफॉर्म कर देते हैं एलाइजा जो है वो बनता है स्क्रीनिंग टेस्ट हो, और जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट बनता है और इसके अलावा जो है डब्ल्यू जो है उनकी लेवल बढ़ जाती है केस ऑफ द लाइम डिजीज नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ट्रीट कैसे करेंगे लाइम डिजीज ट्रीटमेंट के लिए जो है ड्रग ऑफ चॉइस बनता है दैट इज द देखिए फॉर ऑल फोर स्टेजेस जो ड्रग ऑफ बनता है वो डॉक्साइक्न बनता है एक्सेप्ट सी एन एस एंड सी वी एस ठीक है अगर आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फॉर दिस लाइम डिजीज तो डॉक्साइक्लिन आपका ऑप्शन जाएगा न अब वहां पे लिखा है कि सी एन एस और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे जो है ड्रग चेंज हो जाता है तो फॉर फॉर ऑल स्टेजे जो है ड्रग ऑफ और डॉक्सीन बट इन केस ऑफ द एडल्ट अब अगर चिल्ड्रन में है ठीक है किसी चाइल्ड में डेवलप हुई है तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन हम क्या देते हैं एमोक्सिसिन देते हैं

थर्टी टू सिक्सटी डेज हम देते हैं नाउ नौ दिंग एग्जिस्टिस सी एन एस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट अगर सी एन एस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है देन वी मेक यूज ऑफ सेफ्ट्रैक्म सेफ्टोम हम देते हैं थ्रू आई वी रू कितने टाइम के लिए देते हैं फॉर टू टू फोर वीक्स दैट इज फोर्टीन टू ट्वेंटी एट डेज हम

स्क्रीनिंग टेस्ट का और जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट से क्वेश्चन जो है एग्जिस्ट हो जाता है होप यू हैव द लेक्चर स्टे कनेक्टेड फॉर मोर